वेलकम टू एस एस क्रिएटिविटी विद मी। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पास एक छोटा सा पाउडर का बॉक्स रखा हुआ था, डब्बा, तो उसी से मैं कुछ DIY कर रही हूँ। तो उसका ये मैंने शेप, जिस तरह से इसकी शेप थी, ऊपर का पीस मैंने इसका कट कर लिया। अब मैं इस पूरे को जूट रोप से कवर करूँगी, तो यहाँ से लेकर और ऊपर तक मैं जूट रोप से कवर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरे को जूट रोप से कवर कर लिया ये। अब मैं इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ खास मटेरियल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मेरे पास कुछ ग्लिटर पेपर्स रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं ये इस तरीके के छोटा सा मेरे पास एक पीस है, उसको मैं हार्ट शेप में कट कर लूँगी। हार्ट शेप जो भी साइज़ का रखना है, मुझे थोड़ा छोटा रखना है, तो मैं इस तरीके से छोटा सा एक शेप निकाल लूँगी। इसको डेकोरेट करने के लिए कलर्ड पेपर हो, स्टोन्स हो, लेसेस हो, इस तरीके से किसी भी चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैं ग्लिटर पेपर से डेकोरेट करूँगी ये इस तरीके से। ये इस तरीके से मैंने हार्ट शेप निकाल लिया, और मैं कुछ निकालूँगी स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स ये इस तरीके से पतली पतली मुझे स्ट्रिप्स चाहिए, जिससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ग्लिटर पेपर से ही डेकोरेट करूँगी। तो ये, तो अब मैं ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये जो एक स्ट्रिप कट की थी वो मैंने यहाँ नीचे लगा लिए, और इसी तरीके से जो मैंने गोल्डन कलर की कट की है वो मैं इस तरीके से ऊपर स्टिक करूँगी इस तरीके से। ये मैं इस तरीके से इसको यहाँ स्टिक कर करूँगी, और फिर मैं यहाँ पर लगाऊँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फेविकॉल लगाकर, और पहले इस हार्ट को यहाँ स्टिक कर लेती हूँ ये इस तरीके से, और फिर मैं इसके ऊपर यहाँ इस जगह इसको स्टिक कर दूँगी। ये जो ये मैं लगाऊँगी ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर निकाल कर, ये इस तरीके से मुझे स्टिक करना। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मेरे एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।